सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो हमदर्द टीवी। मैं हाँ तरनजीत कौर घुमण हाजरा जी लैके खबर टोरोंटो स्टूडियो तो। भारत किते मणिपुर दीआं घटनावां तां किते हरियाणा विच उड रहीआं शरेआम कानून दीआं धज्जीआं। देश एक पासे अपना 77वां सुतंत्रता दिहाड़ा मना रहा है तो उत्थे ही प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्री अते धर्म निरपक्ष देश की असल तस्वीर पेश करता है पंजाब दा पिंड कुतबा बामणिया, जिथे तुहानू देखण नू मिलेगी हिंदुआं ते सिखां दी मस्जिद। जी हाँ, तुसी बिल्कुल ठीक सुनिया। देखो हमदर्द टीवी दी एक खास रिपोर्ट। पंजाब जिसने के कई हमले चले, कुछ बेगानियां तो ते कुछ अपनियां तो, पर पंजाब ही है जो हर वार उठिया ते दुगने जोश विच उठिया। पंजाब ने अपने पिंडे ते कई संताप हंडाए ने, पर अज भी इत्थे तुहानू भाईचारक सांझ दीआं कई उदाहरणां देखण नू मिलणगीआं जो पंजाब दी असल परिभाषा नू पेश करदीआं ने। अज अजिहे ही पिंड बारे दसण जा रही हां। इस पिंड की थोड़ी जिही जान पछाण करवाइए तो यह पिंड अजिहा है जिथे तुहाडे कन्नां विच अज़ान यानी कि मुस्लिम नमाज तो लैके मंदिरां विच हुंदे भजन अते गुरु घर विच हुंदे पाठ की आवाज तुहाडे कन्नां विच पैंदी है। छोटा जिहा पिंड पर भाईचारे की अजिही मिसाल पैदा की है। असल दे विच इस पिंड दे विच वंड तो पहलां तो एक मस्जिद सी, पर देश की वंड तो बाद बहुते मुस्लिम घर पाकिस्तान चले गए, जिस तो बाद मस्जिद दे रख रखाव लई कोई खास परिवार नहीं बचे। मस्जिद क्योंकि गुरु घर दे नाल लगती सी अते इसलिए गुरु घर वल्लों भी मस्जिद अते मज़ार की देखभाल की जा रही सी, जिस तो बाद वक वक भाईचारियां ने मिल के चाहे वह हिंदू होण या सिख इस मस्जिद के मुड़ निर्माण का फैसला किया। सब ने जिन्ना हो सकता सी अपना योगदान पाया ते अखीर सब भाईचारियां दी सांझी मस्जिद दा निर्माण कार्ज नेपरे चढ़िया, जिसका उद्घाटन पिंड दे सरपंच बूटा सिंह वल्लों करदिआं इस नूं पिंड दे मुस्लिम भाईचारे दे हवाले कीता गया। समूह पिंड वासियां दा कहना सी कि इह साडे पिंड दी इतिहासिक धरोहर है ते इस नूं इंज ही मिट्टी नहीं होण देवांगे। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब विच हाल ही दे सालां विच लगभग 160 मस्जिदां नूं बहाल किया गया है, जिथे मुस्लिम आबादी वंड तो पहलां 40% तो कट के अज सिर्फ 1.93% रह गई है। वंड दौरान सुनिया हुई मस्जिदां नूं हिंदुआं ते सिखां वल्लों मुड़ तो इन्हां दी शान नूं बहाल करन विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी गई अते पिंड वासियां दे सहयोग यत्नां अते खुले डुल्ले दान दे सदका इन्हां दीआं इमारतां एक वार मुड़ तो शान नाल खड़ियां कीतीआं गईआं। बामणिया पिंड दे वासी मुहम्मद तारिक दा कहना सी कि जदों भी कोई खास दिन जां त्यौहार आउंदा है तां समूह पिंड वासी इकट्ठे हो के मनाउंदे ने। यही नहीं, इसते ही एक नजदीकी पिंड भगतगढ़ विच पिंड दे किसान अमनदीप सिंह वल्लों 250 स्क्वेयर यार्ड जमीन मस्जिद बनाउण लई दान कीती गई अते अमनदीप दे इस हौसले नूं देखते हुए पिंड वासियां ने भी मस्जिद की इमारत बनाउण लई फंड इकट्ठा करन विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। इस बारे विच अमनदीप ने कहा कि साडे कोल रब दी दित्ती बथेरी जमीन जायदाद है, मेरा इकलौता पुत्र कैनेडा विच रहिंदा है, मैं यह महसूस किया कि साडे पिंड दे मुस्लिम भाईचारे दे लोकां नूं दूजे पिंडां विच जाके नमाज अदा करनी पैंदी सी, इसलिए मैं अपने धर्म लई एक कम ना करके अपने भाईचारे नाल सलाह मशवरा करके इह जमीन उन्हां नूं सौंप दित्ती। पिंड दे सरपंच तरनजीत दुग्गल दा कहना सी कि मैं अपने आप नूं बहुत भागां वाला समझदा हाँ कि मैं इस पिंड दा हाँ जिथे मनुखता सारे धर्मां तों उपर है। असीं सब ने मिल के दिन रात एक कर दिता कि मस्जिद बनाउण दे काम नूं सिरे लाया जा सके। अज जद सानू देश के वक्वा हिस्सों में फिरकियां दीआं खबरां मिलदियां ने तां दिल दहलदा है। इस मस्जिद विच बिहार तो आए मौलवी साहब देख रेख करदे ने, सिर्फ सिख ही नहीं हिंदू भाईचारे ने भी अपना पूरा बणदा योगदान पाया है। बरनाला दे ही एक पिंड विच हिंदू परिवार वल्लों अमन मस्जिद बनाउण लई जमीन दान कीती गई, जिस लई पिंड ने 2017 विच 12 लाख रुपए इकट्ठे किए अते 2020 दे विच मस्जिद बन के तैयार हुई। मनप्रीत पनोट जिन्हां दे दादा जी ने मस्जिद लई जमीन दान कीती, उन्हां दा कहना सी कि मस्जिद मंदिर ते गुरु घर इह सब आपस विच जुड़े होए ने अते इह भारत दी एकता ते अखंडता दी असल तस्वीर पेश करदे ने। 45 साला नाज़म खान जो कि मस्जिद विच नमाज करदे ने, इह उन्हां कई मुसलमानां दे विचों इक ने जिन्हां ने मूम पिंड विच शिव मंदिर दा निर्माण करन विच अपना पूरा सहयोग पाया अते इस दौरान एक सिख परिवार दे वल्लों मंदिर दे विच भगवान शिव अते पार्वती जी दी मूर्ति दान कीती गई। खान ने कहा कि नमाज तो बाद मुस्लिम भाईचारे दे लोक मंदिर विच जांदे ने ते पंडित जी श्रद्धालुआं नूं प्रसाद वंडदे ने। उन्हां ने कहा कि चाहे होवे शिवरात्रि या होवे ईद या गुरपुरब, असीं सब मिल के इह त्यौहार मनाउंदे हां। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द न्यूज़।